भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद चल रहा है। पिछले दिनों वार्ता विफल रही और खबरें आ रही हैं कोर कमांडर लेवल की वार्ता जल्द ही हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, भारत किन मुद्दों पर सवाल उठाएगा? देखिए, भारत का जो स्ट्रैटेजी है, भारत का जो मुद्दे हैं, वो क्लियर है कि हम अपनी एक इंच जमीन नहीं देंगे। जो पहले से डिसाइडेड है, जो LAC पहले से डिसाइडेड है, उस पे जो ये उसको प्राथमिकता उसी को देनी है, क्योंकि वही चीज पहले से डिसाइड हुई थी। हालांकि चीन अपने दावे करता रहा है हमेशा, पहले भी और अब भी, क्योंकि चीन चाहता है कि किसी तरह वो आस्ता आस्ता भारत की और जमीन लेता रहे। लेकिन भारत के कोई भी कोर कमांडर आए और अभी भी जो हैं, सबका एक ही स्टांस है, वो है कि भारत अपनी एक इंच की जमीन चीन को नहीं देगा। तो इसलिए ये बातें काफी राउंड होते हैं, बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बातें होती हैं और इनमें काफी टाइम लगता है एक अंडरस्टैंडिंग में आने के लिए। और भारत की जो सेना है, वो हर मीटिंग में पूरी तरह से अपना एफर्ट करती है चीन को बताने के लिए कि ये जो हमने पहले की हमारी एग्रीमेंट्स थे, उसको एनफोर्स करना बहुत जरूरी है रीजन की शांति के लिए। अभी क्वाड देशों की बैठक हुई तो ड्रैगन परेशान दिखा। चीन के क्वाड चारों देशों से सीमा विवाद है। बैठक में कोरोना, रूस यूक्रेन के अलावा बड़ा मुद्दा ये था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का दबदबा कैसे खत्म किया जाए। इस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, चीन ने काफी दशकों से एक अपना मन बनाया हुआ है ताइवान को वापस लेने के जी, और इसीलिए उसकी जो कार्रवाई रही है वो इसी मुद्दे से रही कि हम पहले ताइवान को वापस लें। जो इनका बेल्ट रोड इनिशिएटिव आया, जो इनका अभी इन्होंने 20 अप्रैल को सोलोमन आइलैंड्स के साथ एक सुरक्षा समझौता साइन किया, ये सब है इनकी है कि हम पहले ताइवान को वापस लें, क्योंकि ताइवान इनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चीन को खतरा है कि अगर हमारे पे हमला हुआ तो वो समुद्र की तरफ से होगा, उनके पूर्वी हिस्से में होगा। अब इसकी वजह से चीन जानता है कि अगर वो ताइवान पे हमला करेगा तो अमेरिका ताइवान की मदद के लिए जरूर पहुंचेगा। चीन ये भी चाहता है कि दक्षिण कोरिया और जापान, जो कि अमेरिका के बहुत अच्छे मित्र हैं, चीन चाहता है कि ये दोनों देश का झुकाव अमेरिका की तरफ, चीन की तरफ हो। लेकिन दक्षिण कोरिया और जापान नहीं चाहते चीन की तरफ झुकाव करना, क्योंकि वो जानते हैं कि चीन का जो इरादा है वो इरादा ठीक नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा प्रिया जी। जी बिल्कुल। इस विश्व में 195 देश हैं, जिसमें से 193 देश संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं। चीन ने 195 देशों में से 166 देशों को कर्ज दिया हुआ है, और उसमें से 40 जो देश हैं वो इस कर्ज के नीचे इतनी बुरी तरह डूब चुके हैं कि वो चीन के चुंगल में से निकल नहीं पा रहे हैं। दो आपको प्रमुख उदाहरण देना चाहूंगा, श्रीलंका का, पाकिस्तान का। श्रीलंका में हम सब देख रहे हैं क्या हुआ, चीन ने श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट पे पूरा कब्जा कर लिया, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे पूरा कब्जा कर लिया। तो कोई भी देश आज इस विश्व में चीन पे भरोसा नहीं करना चाहता है, क्योंकि चीन का जो मदद है वो एक नरभक्षी टैक्टिक्स है, जिसे इंग्लिश में प्रेडेटरी टैक्टिक्स कहते हैं, कि अगर चीन $1 की मदद करता है तो $10 वो वापस चाहता है। तो चीन के साथ कोई दोस्ती नहीं करना चाहता आज की डेट में, खासकर से दक्षिण कोरिया और जापान। तो इसलिए जो ये क्वाड का शिखर सम्मेलन हुआ 24 मई को टोक्यो में, और काफी सफल शिखर सम्मेलन रहा, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि हम हिंद प्रशांत महासागर में इलाके में हम $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये एक चीन को चेतावनी थी, जो चीन अपने मंसूबे बढ़ा रहा था इस इलाके में, उसको एक करारा जवाब मिला कि हम अभी तुमसे 10 कदम आगे जाएंगे, ताकि तुम अपने जो तुम्हारी गलत नीतियां हैं, तुम पैसिफिक इलाके में उसको एक्सपैंड ना कर पाओ। और आपको एक और बात बताना चाहूंगा, आजकल चीन के विदेश मंत्री वैंग वी ये पैसिफिक आइलैंड्स के 8 देशों के टूर पे हैं, और इन्होंने कोशिश की वहां के देशों के साथ समझौता करने की, लेकिन परसों ही इन देशों ने चीन का जो प्रपोजल था उसको ठुकरा दिया। तो हर देश अब अवेयर हो रहा है
कि जो चीन की दोस्ती है वो एक मतलब के लिए है, और वो किसी देश के साथ अगर दोस्ती करता है फाइनली वो देश दिक्कत में आ जाएगा। इसलिए ये क्वाड शिखर सम्मेलन बहुत ही सफल था और पूरी दुनिया का ध्यान चीन की तरफ आ गया है कि चीन के जो मंसूबे हैं वो ठीक नहीं है।